गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन विद द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, दैट इज साउंड। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो साउंड है वो किस तरीके से उसको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है फॉर प्रोपोगेशन, मीन्स द साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल और प्रोपोगेशन। इट कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम जस्ट लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड जो है उसको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ जब वो इधर से उधर ट्रैवल करती है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वहां पे गैस ही हो, वो गैस के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है और सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये हमने डिफरेंट एक्टिविटीज से प्रूव किया है। नाउ वी शुड नो कि जब भी कभी कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, जैसे कि कभी अगर कोई फायर क्रैकर बस्ट होता है या लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, जब भी रेन के साथ थंडर स्टॉर्म आते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कहीं लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, उसमें लाइटनिंग भी हो रही है, तो हमें साउंड बाद में सुनाई देती है, लाइट पहले दिखाई दे जाती है। इसी तरीके से अगर कोई फायर क्रैकर बस्ट हो रहा है तो हमें उसकी जो उससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसके बस्ट होने से, तो वो लाइट पहले दिखाई देती है जबकि साउंड बाद में सुनाई देती है। व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा होता है कि हमें लाइट पहले दिखाई दे रही है और साउंड बाद में दिखाई दे रही है? द रीजन इज क्लियर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड है वो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है। ऑन द अदर हैंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन इजीली कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ साउंड, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज मच 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 ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लाइट की स्पीड है वो बहुत 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 ज्यादा है साउंड की स्पीड से। तो जब ये दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं कहीं पर भी, तो लाइट क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, इट्स फर्स्ट वर्स कंपैरेटिव टू द साउंड, साउंड के कंपैरिजन वो हम पता पहले पहुंच जाती है और साउंड उसके बाद में पहुंचती है। तो कहीं पे भी अगर वो दोनों चीजें साउंड और लाइट एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर हमेशा हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। तो इट इज द कंपैरिजन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से लाइट और स्पीड की साउंड डिफरेंट होती है। बट वी शुड नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया इज ऑल्सो डिफरेंट। ये तो हमारी बात हुई कंपैरिजन ऑफ लाइट की और साउंड की स्पीड की, पर अगर हम साउंड की स्पीड को भी देखें तो वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अगर हम इनकी एक लिस्ट देखें तो हम देखेंगे जस्ट लाइक इन रबर स्पीड ऑफ साउंड इज 1600 to 1650 मीटर पर सेकेंड, इन कॉपर इट इज 3700 मीटर पर सेकेंड, इन एयर इट इज जस्ट ओनली 330 to 345 मीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड इन वुड इट इज 4000 to 5000 मीटर पर सेकेंड, इन स्टील 5000 to 7000 मीटर पर सेकेंड। तो वी कैन इजीली कंपेयर कि दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, इन गैस एयर इज जस्ट लाइक गैस एंड स्टील दीज आर सॉलिड्स। तो ये डिफरेंट मीडिया में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या है, बहुत ज्यादा वैरी करती है। इसके अलावा जो इनकी डेंसिटी है, जो भी हमारे सॉलिड है उनमें भी उनकी जो स्पीड है वो उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। सो वी कैन इजीली से दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज आल्सो डिफरेंट। अगर हम हर मीडियम की वो करेंगे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो वो हर मीडियम
अब इसी तरीके से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वेट एयर होगी, तो ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इट विल नियर अबाउट 400 मीटर पर सेकेंड। तो इट डिपेंड्स कि वो कौन सा मीडियम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसर होता जाता है मीडियम, वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे एयर में कितनी कम है, जबकि जो अदर सॉलिड मीडियम है उनमें स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड क्या बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे गैसेस में सबसे कम होती है, लिक्विड्स में स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है। अब उसमें भी जो सॉलिड में है उसमें भी हम जैसे जैसे उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती जाएगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हम स्पीड निकालते हैं वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालने का यही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम साउंड की भी स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी नीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड अपॉन टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। क्योंकि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, अगर हम उसको डिस्टेंस को टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट द स्पीड ऑफ साउंड एट दैट टाइम इन गिवन मीडियम। उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है वी कैन इजीली कैलकुलेट। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डू और वी कैन सॉल्व ऑल दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इनमें कहीं ना कहीं इन थ्री जो वैल्यूज हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इनमें से आपको दो कोई भी क्वांटिटीज दी हुई होगी, फिजिकल क्वांटिटीज, एंड द क्वेश्चन कैन आस्क द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में आपको बता। अगर स्पीड पूछता है तो डिस्टेंस और टाइम देगा, टाइम पूछता है तो स्पीड और डिस्टेंस देगा, और अगर डिस्टेंस पूछता है तो स्पीड और टाइम देगा। इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज में से दो हमारी नोन होगी और थर्ड वी कैन कैलकुलेट। तो इस फॉर्मूला से हम स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर कोई और फिजिकल क्वांटिटी अननोन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ कैन वी हियर साउंड। इसके लिए हमने ये है कि हमारे जो भी हम साउंड हम तक पहुंच रही है वो हम किसके थ्रू सुन रहे हैं, थ्रू आर ईयर्स। ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ईयर, इनके थ्रू सुन रहे हैं। तो हमने ये सुना है कि भी किस तरीके से साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंचती है और कैसे, हाउ द ईयर वर्क्स एंड द साउंड इज ऑडिबल टू अस। किस तरीके से साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंचती है, किस तरीके से हमारा ईयर वर्क करता है एंड वी आर एबल टू हियर द साउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, द होल स्ट्रक्चर, नॉट ओनली द एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर एंड हाउ इट वर्क्स, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर एबल टू हियर द साउंड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड इट्स वर्किंग। ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में मैम्ब्रेन होती है जिसको हम जनरली ईयर
या फिर हम इसको कहते हैं टिम्पानिक मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इंक्लूड्स इन द इंक्लूडेड इन द आउटर ईयर। इन मिडल ईयर आफ्टर दिस ईयर जंप यू कैन सी द थ्री स्मॉल बोन्स। दीज आर द थ्री स्मॉल बोन्स नेम्ड हैमर एंडल एंड स्टीयर। ये तीन बोन्स हैं विच मेक्स द मिडल ईयर। ये एक यहाँ पे कैविटी है। इन दिस कैविटी द थ्री स्मॉल बोन्स आर प्रेजेंट हैमर एंडल एंड स्टीयर विच मेक्स द मिडल ईयर। आफ्टर द मिडल ईयर द इंटर ईयर ईयर इज प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ अ कॉकलिया द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड अ नर्व विच इज कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ये तीन चीजें कॉकलिया सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑडिटरी नर्व ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं इन अ ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। नाउ आफ्टर दैट वी शुड नो हाउ द ईयर वर्क कि किस तरीके से ईयर वर्क करता है। नाउ फर्स्ट थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ दिस इंटरनल स्ट्रक्चर इफ वी नो दैट व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ईयर वी कैन इजीली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आवर ईयर। सो इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ ईयर। So that's all for